हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। हम आज एक आए हैं दो सिस्टम लगाने हैं, चार चार किलो वाट के। उसके लिए हम प्लेटें लगा रहे हैं कि जौन सी हमारी तकरीबन चार मारे L3 स्टैंड और दो मारे लगेंगे L2 स्टैंड। तो हमने ये हमारी छत है, एक सेटअप कुछ पहले वहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन हमने अब जो नया सेटअप लगाने लगे हैं वो स्टार्ट करने लगे हैं। हमने प्लेटें रख दी हैं, L3 स्टैंड लगाने हैं। L3 स्टैंड हमारे ये तीन हैं और दो हमारे L2 पड़े हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं, साथ साथ आपको मैं दिखाऊंगा कि हमने कैसा लगाया, लगने के बाद कैसा दिखता है। आइए व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, हमने जो हमारी प्लेटें थी, तकरीबन 18 प्लेटें थी जो 10 किलो वाट मार रहा है, हमने उसके स्टैंड जो है प्लेटें रखे ऊपर स्टैंड लगा दी हैं। अब उनको सीधे करेंगे। तीन प्लेटें हमारी ये रहीं, ये हमारे जफर भाई लगा रहे हैं और ये हमारे जुनेद भाई और ये कामरान भाई खड़े हैं। उसके ये देखें आप, ये तीन चार हमने लगाए हैं L3, एक ये दो ये तीन वो चौथा, और दो हमने L2 टैप लगाए हैं। ऑलरेडी पहले आपको जैसे बताया था सर्कल लगा हुआ है, तो बाकी अब ये हमने स्टैंड लगा दिए इनको। जी व्यूअर्स, हमने अब अपनी प्लेटें लगाने के बाद सोलर की तरफ आए हैं। सोलर जो हमारा आपके सामने है, हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये प्राइमैक्स का इन्वर्टर है, प्राइमैक्स सोलर एनर्जी का इन्वर्टर है। ये PV7000 है, क्योंकि हमने 16 प्लेटों पे हमने 4-4 किलो वाट के दो इन्वर्टर लगाए हैं, एक ऊपर वाला पोर्शन एक नीचे वाला पोर्शन। ये आपको जफर भाई इसको अनबॉक्सिंग करके इसको शापर में निकाल के आपको दिखाते हैं। ये हमारा इन्वर्टर के सामने, ये इसके नीचे दिखाते हैं आपके, ये लेफ्ट साइड के ऊपर ये इसकी इनपुट है, AC की आउटपुट है, सॉरी, और दो आउटपुट हैं इसकी, और ये नीचे इसकी इनपुट है। उसके अलावा ये इसकी कम्युनिकेशन वायर और BS सिस्टम, नीचे फ़ैन और बैटरी के ये दो पॉइंट यहाँ बैटरी के लगने हैं, और ये इसकी फ्रंट लूप। आई व्यूअर्स, दोनों इन्वर्टर हैं, एक ये है एक इसके नीचे से पड़ा हुआ है। जैसे जैसे अब आपको लगाते हैं साथ साथ इसकी DP और सारा कुछ आपको साथ साथ दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, हमारा एक इन्वर्टर लग चुका है, अब हम अपना जो दूसरा इन्वर्टर है उसकी ओपनिंग कर रहे हैं। अब हम इसे निकालेंगे, इसे लगा के भी अभी यहाँ पे हैंग करके आपको फिर दिखाएंगे कि हमारा इन्वर्टर हैंग होने के बाद कैसा दिख रहा है। व्यूअर्स, हमारी इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो चुकी है, हमने 4 किलो वाट के दो इन्वर्टर इंस्टॉल किए हैं अभी। जोन से इसके साथ हमने 16 प्लेटें लगाई हैं, 8 प्लेटें एक के साथ। और ये जो हमारे इन्वर्टर हैं ये 7000 PV के हैं, और ये प्राइमैक्स 777 PV के हैं, 7000 के वाईफाई के साथ सपोर्टेड हैं। एक हमारा इन्वर्टर ये लगा हुआ है, ये हमने ऊपर वाले पोर्शन को लगाया है, और ये वाला हमने नीचे वाले पोर्शन को। कस्टमर की डिमांड थी कि इसको एक ही जगह पर दोनों को लगाएँ, ये हमने इसके साथ DP लगाई है, DP हमने मोरा की लगाई है। उसके बाद जो हमने इसकी मेन कंट्रोल किया है इसके इन्वर्टरों को, हमने थोड़ा सा हमने जो है इसकी जो मेन DP है हमने उस DP पे कंट्रोल किया है, वो दोनों इसकी मेन है जो इनपुट आ रही हैं, नीचे वाली हमारे लेफ्ट साइड वाले की है और ऊपर वाली जो सी है हमारे वो राइट साइड वाले की है। ये देखें, ये दोनों इसकी PV हैं, जो इसकी मेन सप्लाई हैं, मेन सप्लाई यहाँ से जा रही हैं। मेन सप्लाई जाने के बाद हमने इसके जो से दोनों ब्रेकरों के ऊपर से डी वायर आ रही हैं जो सी प्लेटों की, उसको हमने DC ब्रेकर एक राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे लगाया है जो हमारे इस इन्वर्टर का है, और जो सा हमारा लेफ्ट इन्वर्टर है वो हमने इस तरफ लगाया है ये। उसके बाद हमने चेंज ओवर लगाया है, अगर हमने इसे वाप्टा पे शिफ्ट करना चाहें तो वाप्टा पे शिफ्ट कर सकते हैं, अगर इन्वर्टर पे करना चाहें इन्वर्टर पे कर सकते हैं। उसके आगे हमने ओवरलोड प्रोटेक्टर ले लगाई है जो इसे प्रोटेक्ट करेगी। सिंपल सी वायरिंग है जी व्यूअर्स। वायरिंग होने के बाद हमारे इन्वर्टर कुछ इस तरह के दिख रहे हैं।